हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे आर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और आप सोच रहे हैं कि बीएड की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, तो आप बिल्कुल करेक्ट चैनल पर आए हैं, आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से फाइल बनाएं अपने प्रैक्टिकल की। तो गाइज, इसमें देखिए, आज की जो ये फाइल है ये है कौशल आधारित सूक्ष्म पाठ्य योजना तथा विस्तृत पाठ्य योजना का निर्माण। ये फाइल आपको बीएड फर्स्ट ईयर में बनानी होती है। तो चलिए गाइज, इस फाइल को देख लेते हैं कि ये फाइल किस तरीके से आप बनाएंगे। जो आपके फाइल का फर्स्ट पेज होगा ये यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके से बनाना होगा। इसमें देखिए, फर्स्ट पेज पे आप इस तरीके से लिखेंगे और आपकी फाइल कैसे बनाई जाएगी। देखिए गाइज, इस वीडियो में मैं पूरी फाइल नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे पार्ट पार्ट में लाऊंगी और आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट पेज इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर आप लिखेंगे पंचम प्रश्न पत्र। बीएड में आपके दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तीन आपके कंपलसरी होते हैं और दो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि होम साइंस हो गया, संस्कृत हो गया और आपका ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री हो गया। तो ये सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो आप देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपकी ये फाइल बनती है। देखिए, ये आपकी फाइल बनती है और ये फाइल आपको कंप्लीट करनी होती है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाना है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये फाइल आपकी कैसे बनेगी। तो देखिए, यहाँ पर आपका होगा सूक्ष्म शिक्षण अवधारणा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, पाठ योजना परिचय, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्न पूछना कौशल, श्याम पट कौशल और पुनर्वलन कौशल। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पंचम प्रश्न पत्र में है। गाइज, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संस्कृत के लिए ही है। ये गाइज आपको मैं बता दूं कि ये संस्कृत की फाइल है। ऐसा नहीं है कि आप इसे संस्कृत में ही बना सकते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी है तो आप इसके अंदर टॉपिक ज्योग्राफी का और क्वेश्चन ज्योग्राफी के और एक्सप्लेनेशन भी ज्योग्राफी का डालेंगे। अगर आपका ये होम साइंस है तो आप होम साइंस के टॉपिक, क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन डालेंगे। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये जो इतने पॉइंट्स हैं ये सब में कॉमन होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं और आप इसके अकॉर्डिंग और भी सब्जेक्ट्स की बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर आप इस तरीके से पहला पेज आपका हो जाएगा और इसमें आपके कुछ विस्तृत पाठ्य योजना भी हैं। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, वेट। तो देखिए, आपका जो नेक्स्ट पेज है इस पे आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधि और सूक्ष्म शिक्षण। तो आपके ये कुछ हेडिंग्स होंगे, जैसे सूक्ष्म शिक्षण, संप्रत्यय का प्रयोग, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। गाइज, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। पीडीएफ में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से बनेगा, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे क्या लिखना है। ठीक, तो देखिए, फिर आपका इस तरीके से हेडिंग होगा सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ और अर्थ विश्लेषण। इसके बाद आपका होगा सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। फिर आपका ये देखिए, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं होगा, गुण होगा और सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के चक्र होंगे। और यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के घटक होंगे, क्या क्या घटक होते हैं ये आपको बनाने होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यहाँ पर शिक्षण कौशल होगा। जब भी आप पाठ्य योजना बनाते हैं तो आपको शिक्षण कौशल की आवश्यकता पता होनी चाहिए कि क्या होता है शिक्षण कौशल। तो यहाँ पर देखिए, अध्यापन के अंतर्गत किए जाने वाले समस्त कार्य शिक्षण कौशल कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि आप प्रश्न पूछते हैं, आप किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से, आप व्याख्या दे रहे हैं, आप उनको पुनर्वलन दे रहे हैं, मीन्स फीडबैक दे रहे हैं, तो ये सारे आपके शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद होगा आपका समय सीमा। देन आप यहाँ पर प्रस्तावना कौशल की परिभाषा इस तरीके से देंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये आपने जो प्रस्तावना कौशल की परिभाषा बताई है, इसी के जस्ट आगे आप प्रस्तावना कौशल को इंडिकेट करेंगे, प्रस्तावना कौशल का पाठ्य योजना बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रस्तावना कौशल का है। प्रस्तावना कौशल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी बताया था, प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं। आप बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से रिलेट करता हो, जो उनके वास्तविक जीवन से रिलेट करता हो, तो इस तरीके से आपका ये होता है प्रस्तावना कौशल पाठ्य योजना। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रस्तावना कौशल, ये देखिए, प्रस्तावना के प्रश्न आप पूछेंगे। इसके बाद आज आप जो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, तब आप यहाँ पर कहेंगे कि आज हम इसके बारे में अध्यापन करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, आप देख लीजिए थोड़ा सा कि ये क्या होता है प्रस्तावना प्रश्न।
इसमें आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। तो यहाँ पर देखिए, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे राम के पिता का नाम क्या है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे दशरथ। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे राजा दशरथ के कितनी रानियां हैं, तो यहाँ पर आप बच्चों से आंसर लेंगे और बच्चे आंसर देंगे कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो देखिए आप गाइस देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जो आंसर यहाँ पर मिला उसी आंसर को उठा के आप फिर से क्वेश्चन करेंगे। देखिए दशरथ यहाँ पर आया है, दशरथ आपका यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है यहाँ कौशल्या को उठाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कौशल्या राम की क्या लगती हैं, तो यहाँ पर माता। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा माता के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ गया। गाइस यहाँ पर आप उसके बाद उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम आप सबको माता एवं भवा के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका व्याख्या कौशल होगा, व्याख्या कौशल को आप आगे बनाएंगे। पाठ योजना क्या है देख रहे हैं आप, अध्यापन कौशल का नाम क्या है, व्याख्यान कौशल। तो यहाँ पर देखिए ये आपका होगा इस तरीके से, ठीक। इसके बाद आपका आता है श्यामपट कौशल। श्यामपट कौशल जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क जो आप करते हैं वो आपका श्यामपट कौशल में आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है, और ये देखिए आपका जो कठिन शब्द होते हैं जो आपके बुक्स में जो आपके आपके पैराग्राफ में जो भी कठिन कठिन वर्ड होते हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख के बच्चों को समझाते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण कैसे करेंगे और इसका अर्थ क्या होता है, ठीक। तो ये आपका हो जाता है श्यामपट सारांश या श्यामपट कौशल के अंतर्गत ये आता है। देन आपका आता है यहाँ पर देख रहे हैं आप पुनर्वलन। पुनर्वलन कौशल में देखिए यहाँ पर क्या है, पुनर्वलन की प्रकृति और स्वरूप क्या होता है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, कमियां बताना, दर्जा बढ़ाना, मंडल, प्रशस्ति पत्र, पदोन्नति। तो ये आपके कुछ क्या होते हैं, प्रकृति और स्वरूप होते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको भी आप इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए पुनर्वलन कौशल का अर्थ एवं परिभाषा आप बताएंगे और इसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। और आप देख रहे हैं कि पुनर्वलन यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे पुनर्वलन आपके सकारात्मक होने चाहिए जो बच्चों को आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ निगेटिव उन लोग को कमेंट्स कर रहे हैं, बच्चों का मनोबल गिर रहा है, ऐसा नहीं है। आपको उनको सकारात्मक पुनर्वलन देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन आगे आपका आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसके अंतर्गत आप ऐसे लिख लेंगे, गाइज डोंट वरी, मैं आगे के जो वीडियो है इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीडीएफ के साथ अवेलेबल कराऊंगी इसे। देन आपका आता है पाठ योजना। यहाँ पर देखिए अभी तक आपने सूक्ष्म शिक्षण के जो कौशल होते हैं वो आपने पूरे कंप्लीट कर लिए, अब यहाँ पर आपका आता है पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा। तो ये गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो आपका पीडीएफ पे है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि आपको ये कैसे बनाना है, ठीक है फाइल। तो इतना मैंने कंप्लीट कर दिया है, इतना मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए गाइज हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।